हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। इस शेयर के बारे में काफी सारी चीजें जानेंगे, क्या इस शेयर को अभी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 60% की तेजी इस महीने के अंदर अंदर यहाँ पर होती हुई नजर आई है। शेयर की बात करें, बेहतरीन शेयर है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि हमने इससे पहले ये शेयर बताया है। इससे पहले ये शेयर हमने बार बार बताया है, हर बार बताया है, और अगर किसी को पेशेंस रहेगा तो हमेशा याद रखिए, पैसे तो वो कमाएगा ही कमाएगा। 6 महीने पहले यहाँ पर वीडियो बनाई बनाई थी, ओके, भी यहाँ पर देखिए कब विद हैंडल पैटर्न 48%। वहाँ पर थोड़ी सी एक बैड न्यूज आती हुई दिखाई दी थी, इनके प्लांट में आग लगती हुई नजर आई थी, जिस वजह से अगर हम देखें तो शेयर यहाँ पर से गिरता हुआ नजर आया। बट उसके बाद वो न्यूज ओवरकम हो गई और शेयर में क्या हुई, एक दोबारा तेजी होती हुई नजर आई। यहाँ पर आप देखोगे तो ये शेयर 500 रुपए से लगभग 900 रुपए, लगभग डबल होता हुआ नजर आया है। तो क्या इस शेयर को लेना है, क्या आप बेचना है, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, जिन्होंने अभी ले रखा है, जिन्होंने पास है, या फिर जो लेने की सोच रहे हैं, उन सबसे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स ओके रिलेटेड ये कंपनी काम करती नजर आती है, विच आर सोल्ड इन लोकल एज वेल एज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। एक्सपोर्टेड तो यहाँ पर दूसरी कंट्रीज में भी ये अपने जो जिस सेगमेंट में एक कंपनी काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स, वो यहाँ पर काम अंजाम देती हुई नजर आती है। कंपनी की बात करें, अच्छे अच्छे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर केमिकल्स यूज यहाँ पर बनाती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे इनके चीजें हैं। इनके बारे में और जानना है तो इनकी वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मल्टी स्टेप सिंथेटिक प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते हुए दिखाई देते हैं। लाइफ साइंस से रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स, अदर स्पेशलिटी केमिकल्स ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है, जो कि हर एक इंडस्ट्री में, मोस्टली का इंडस्ट्री में यहाँ पर काम होता हुए नजर आती है। तो आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री सेगमेंट्स में जाइएगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगा यहाँ पर किस किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं। अदर स्पेशलिटी केमिकल जानना है तो वो यहाँ पर चले जाइएगा। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल से रिलेटेड। कंपनी की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 10,201 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 62 के PE पे स्टॉक चल रहा है, इंडस्ट्री का PE 25 का है, तो कहीं ना कहीं शेयर महंगा नजर आएगा। बट अच्छे शेयर हमेशा याद रखिएगा, बड़े महंगे ही आपको नजर आएंगे और ज्यादा लेवल पे, बट इनमें कितनी पोटेंशियल है वो आप यहाँ से नजर आ सकते हैं कि गिरता जरूर है बट उससे ज्यादा यहाँ पर ये भागते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर देखिए 955 का इसका 52 वीक हाई है, 4949 पे शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है और 49% के आसपास का यहाँ पर डाटा है, कोई प्लेजिंग नहीं है, तो शेयर का है काफी अच्छा यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर एक पूरा कंसोलिडेशन फेज ही यहाँ पर मानिए कि जब से शेयर आया है, क्योंकि ये न्यू लिस्टेड शेयर है, याद रखिएगा 26 मार्च 2021 में ये शेयर लगभग आता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद शेयर भागा नीचे गिरा, तो एक कंसोलिडेशन पीरियड से ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही थी, बट जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी में एक प्लांट में शायद कुछ आग लग से रिलेटेड लगी थी, उससे रिलेटेड बैड न्यूज आई थी, तो ये शेयर यहाँ वहाँ से थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया, इसके जो प्रोडक्शन था वो घटता हुआ नजर आया। अदरवाइज ये शेयर क्या था, अच्छा खासा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा था। और यहाँ पर देखेंगे 28% के आसपास का यहाँ पर मार्जिन इस वजह से आता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे स्टिल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का ईपीएस अच्छा खासा है, ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जहाँ 100 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ की यहाँ पर सेल्स 10 साल में हो गई है, नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से 162 करोड़ का हो गया। तो ये क्या है, एक ग्रोइंग कंपनी है। ऐसी कंपनीज यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करते हो इनिशियल लेवल पे तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आता है। रिजर्व्स की बात करें 1700 करोड़ के आसपास का यहाँ रिजर्व्स है, बोरिंग देखिए 800 करोड़ के आसपास की बोरिंग है, 50 करोड़ रुपए वर्क इन प्रोग्रेस में लगा रखे है। जब ये काम खत्म हो जाएगा अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी सेल्स एज वेल एज इनका नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उनका मार्जिन जब अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है, एज वेल एज 158 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और लगभग 200 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी का कैश भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर्स लगातार यहाँ पर लगातार तो नहीं, इस क्वार्टर में इन्होंने लगभग 5-1% के 4-5% की हिस्सेदारी बेची है, बट वो हिस्सेदारी FIs ने खरीद लिया, थोड़ी सी DIs ने खरीद लिया और पब्लिक से ये हिस्सेदारी क्या हुई है, कम होती हुई नजर आई है। पब्लिक से हिस्सेदारी कम होना यहाँ पर याद रखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव चीज होती है, और एज वेल एज FIs DIs का बढ़ना ये पॉजिटिव चीज है यहाँ पर मानी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर शायद कुछ यहाँ पर दे नहीं रखा है, अदरवाइज यहाँ पर आप देखेंगे 2021 में जो ब्लूटूथ वेल्थ है उन्होंने 6 करोड़ ओके 647 के भाव से लगभग 10 लाख शेयर यहाँ पर बाय भी किए थे, और यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं ओके इस वजह से हो सकता है कि एक छोटी सी अच्छी खासी यहाँ पर जंप दिखाई दे रही हो, बट स्टिल उसके ऊपर अभी हमें नहीं जाना है, हमें यहाँ पर रिजल्ट पे ध्यान देना है। एक बार रिजल्ट देखेंगे
उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं। बट अभी फिलहाल में चार्ट कैसा नजर आता है, क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, और सीखने के तरीके है एक तो हमारी वीडियोज को देखे, लास्ट तक देखे समझे, और दूसरा तरीका है हमारा कोर्स। 17,500 में ये पुरानी फीस है, 17,500 में हम एक कोर्स करा रहे हैं, जहाँ पर टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल बेसिक्स टू एडवांस स्टेजेस किस तरीके से यहाँ पर शेयर स्टेजेस में चलते हैं, कहाँ पर चीजों को लेनी है, कहाँ पर बेचना है, एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसने ये रिस्क मैनेजमेंट करना सीख लिया वो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमाते हुए नजर आएगा। 8860540501, 8169260037, इन नंबरों को पॉज करके वीडियो को यहाँ पर नोट कर लीजिए, और कॉल मैसेज के थ्रू आप हमसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। एज वेल एज आपको पता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर आप ₹1,000 पर मंथ देके हमारे रिसर्च स्टॉक्स को यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की वहां पर हेल्प के साथ, एज वेल एज खुद भी यहां पर रिसर्च करके यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं पहले, और अच्छा खासा पैसा वहां से भी यहां पर कमा सकते हैं। एज वेल एज अगर किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है उस वहां पर एक प्रीमियम सर्विस दी जाती है, इन नंबरों पे ही कांटेक्ट करके उसके रिलेटेड आप हमसे बात कर सकते हो। वहां पर सब चीजें मोस्टली हमारे थ्रू ही यहां पर मैनेज की जाती है। अब बात करते हैं हम यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न से रिलेटेड, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करूं तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि फैब के बाद से जो यहां पर तेजी आई है वो एक काबिले तारीफ यहां पर तेजी है, लगभग 60% की ये तेजी आती हुई दिखाई दी है, और 2 महीने के अंदर अंदर ये शेयर ने अच्छे खासे लगभग 65% के यहाँ पर क्या दे दिए, रिटर्न देते हुए नजर आए। क्या इस शेयर को अब लेना चाहिए? मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी हो गई है, और ये तेजी और कंटिन्यू रह सकती है, और ये शेयर यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, या तो यहाँ पर ₹1,000 का लेवल या ₹1,100 का लेवल यहाँ पर दिखाई दे सकता है। 10 से 15% की तेजी मुझे फिलहाल दिखाई देती है। अगर ये शेयर थोड़ा सा नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है 800 के आसपास, आपको 850 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन यहाँ पर वॉल्यूम एक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी यहाँ पर तेज भाग गए। और एक बार रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर इस शेयर में जो तेजी बनी है वो क्या बरकरार रहेगी, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये शेयर फिर यहाँ पर नहीं रुकने वाला, फिर इस शेयर के टारगेट मेरे अकॉर्डिंग फिर इस साल के अंत तक ₹2,000 होना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी कि यहाँ पर 2,000 नहीं हो सकता। एज वेल एज यहाँ पर देखोगे आप एक कप विद हैंडल पैटर्न कह दीजिए यहाँ पर, या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह लीजिए, यहाँ पर एक 3Z पैटर्न कह लीजिए, वो सारे पैटर्न्स होते हैं, तो वो पैटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ तक तो रिजल्ट, यहाँ तक तो टारगेट समझिए कि यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, बट अगर चीजें नीचे आ जाती है कंसोलिडेट करते हैं, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की। वॉल्यूम अच्छे खासे है, सब चीज अच्छा खासा नजर आता है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है। यहाँ पर दो तरीके मैंने ऑलरेडी बता दिए, या तो वीडियोस को देख लीजिए, या हमसे डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके 17,500 में सीख लीजिए, जो कि 1-1.5 लाख रुपए का मार्केट में कोर्स है, वो आपको यहाँ पर बड़े सस्ते में सिखाया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।